तो भाई आप सभी को पहले दिल से राम राम। मैं मुकेश चंद्र गोंड नोएडा भारत से, और द मैकेनिकर में आपका सहे दिल से स्वागत है भाई। और इस द मैकेनिकर में आज हम बात कर लेते हैं कि पिस्टन रिंग को कैसे फिट करें, और वो भी डीजल गाड़ी के पिस्टन रिंग का कट रखें किधर। तो आज भाई बता देता हूँ, चाहे गाड़ी कोई भी हो, BMW हो, मर्सिडीज हो, ऑडी हो, या मारुति की कोई छोटी सी गाड़ी हो, स्विफ्ट गाड़ी डीजल की कोई हो, जनरेटर हो, कोई भी मतलब डीजल की गाड़ी हो, सारे के लिए मेथड चलेगा भाई। और काफी एक्सपीरियंस करके मैं ये चीज आपको बता रहा हूँ, आप कर सकते हो, ना तो आपकी जो मर्जी वैसे कर ले, ठीक है। अब आ जाओ, आपको सही लोकेशन दिखाना बहुत जरूरी है, पिस्टन का सही लोकेशन कैसा कहाँ होना चाहिए। ये है टाइमिंग, ये टाइमिंग के तरफ जाएगा एरो का मार्का, जो है टाइमिंग के तरफ हमने रख लिया। इधर टाइमिंग हो गया, इधर फ्लाईव्हील साइड हो गया, यानी क्लच के साइड हो गया। अब यहां से सबसे पहले जो है हमें ये देखना है कि जो हमारा इंजेक्टर की फायरिंग है क्या इधर से है। यदि इंजेक्टर की फायरिंग इधर से है या फिर इधर से है, यानी इंजेक्टर की फायरिंग जिधर भी होगी उधर एक कट नहीं रखेंगे, फायर चैम्बरी के तरफ कभी भी टॉप रिंग का कट नहीं रखेंगे। यानी इंडिका में इंजेक्टर इधर है तो टॉप रिंग का कट इधर रख देंगे, किसी और गाड़ी में फायर चैम्बरी इधर से इंजेक्टर लगा हुआ है, जैसे फोर्ड फिगो में है, फिस्टा में है, तो इसका कट को हम इधर रख देंगे। यानी इंजेक्टर साइड से हो तो वहां नहीं रखना है, इसके फायर चैम्बरी के सामने इस टॉप रिंग का कट, पहला। दूसरा चीज कि इंजेक्टर टॉप में हो, जैसे इस गाड़ी का टॉप में है, कई गाड़ियों का आजकल बिल्कुल टॉप में ही आ रहा है, तो इस केस में आप पिस्टन का रिंग चाहे इधर रख लो चाहे इधर रख लो। इधर नहीं रख रहे हैं, इधर नहीं रख रहे हैं, हमें रखना है इधर है चाहे इधर है, बस। फायर चैम्बरी इधर है तो इधर रख लेंगे, फायर चैम्बरी इधर है तो फिर कट उधर रख लेंगे, लेकिन रखना है इधर या इधर, दोनों ही है। तो इसमें क्या है, फायर चैम्बरी बिल्कुल बीच में है, इंजेक्टर का जो फ्लो है प्रॉपर बीच में है, इसलिए हम चाहे इधर रख लें चाहे इधर रख लें। अभी जब बीच में है तो हम उसको सही लोकेशन पे कैसे रखें, इस चीज का सुन लो। तो हमारा सही लोकेशन पे रहने का मतलब यह है कि मैं टॉप रिंग का कट अपने सामने रखूं, यानी नीचे साइड में, टाइमिंग इधर है तो टॉप रिंग का कट अपने सामने रखूं। अब टॉप रिंग सेट हो गया हमारा, कि टॉप रिंग हमने आगे रख लिया, एरो का निशान इधर है। अब टॉप रिंग के हिसाब से हमने कंप्रेशर रिंग को सेट करना है, तो कंप्रेशर रिंग का कट कहाँ रखेंगे, इस टॉप रिंग का कट इधर रखा है तो कंप्रेशर रिंग का कट अपोजिट साइड में इसके रख देंगे, यानी टॉप रिंग का कट घुमा के सीधा कहाँ गया कट, ये देखो ये मैं लिया इधर, ये देखो टॉप रिंग का कट मैंने यहाँ रख दिया पीछे साइड में, और कंप्रेशर टॉप रिंग का कट ये कंप्रेशर रिंग का पीछे साइड में लेके गया यहाँ पे। अब ऑयल रिंग का कहाँ रखना है, ऑयल रिंग का रख देंगे यहाँ पे, मेथड है। लेकिन अभी इस सिचुएशन में हमें ये चीज ध्यान देना है कि हमारा जो ऑयल रिंग का कट है वो भी ऑयल जो जेड है उसके सामने नहीं आना चाहिए, पॉइंट नोट करते रहना। हमने यहाँ अपने हिसाब से, मैंने ऑयल रिंग इधर भी रख सकते थे टॉप रिंग, और इधर भी रख सकते थे, लेकिन हमने आगे एक तरफ रख लिया, इसके हिसाब से हमारा ऑयल का रिंग आगे आ गया। ऑयल का रिंग जब आगे आया तो ये है ऑयल जेड यहाँ चलता है, तो हम कोशिश करेंगे कि ऑयल जेड के सामने ये रिंग ना हो, ये कट का रिंग का कट ऑयल जेड के सामने ना हो। तो इस सिचुएशन को क्या करेंगे, पूरा रिंग को लेंगे ऐसे, और ऐसे पूरा टोटल घुमा के हमने पीछे साइड में कर देना, यानी ऑयल रिंग का कट नहीं, हमारा कोई फायर चैम्बरी का कोई टेंशन नहीं, ऑयल का कोई टेंशन नहीं, और ये कट दोनों पीछे आ जाएंगे, और आगे के तरफ में कंप्रेशर रिंग का कट आ जाएगा जिधर ये फायर चैम्बरी ऑयल जेड है। तो अभी देखो टाइमिंग इधर है, तो हमारा टॉप रिंग का कट पीछे, कंप्रेशर रिंग का कट आगे, ऑयल रिंग का कट पीछे, ये टाइमिंग है। तो हमने किस किस चीज का ध्यान दिया, ऑयल जेड का, फायर चैम्बरी का, ये आपका गजल पिन का, बोले तो पिस्टन पिन का, तीन सारी चीजों को मैंने ध्यान में रखते हुए ये रिंग का सेट किया है मैंने। अब ये जेड जो इधर रहता तो फिर इस रिंग का कट इधर आ जाता, ठीक है।
लेकिन जेड इधर है तो स्ट्रिंग का कट सारा तीनों का तीनों ऐसे ऐसे चेंज हो जाएगा। तो टाइमिंग इधर, टॉप रिंग इधर, कंप्रेशन रिंग इधर, फिर ऑयल रिंग इधर, यानी ऐसे 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 ऐसे। ये रिंगों का मेथड है, अपना मेथड में बता रहा हूँ। इसी मेथड से हम इंजन को करते हैं, कोई भी इंजन है, डीजल की गाड़ी, पेट्रोल के लिए स्पेशल आप कहोगे तो एक पर्टिकुलर वीडियो पेट्रोल के रिंग के गैप के बारे में दे दूंगा, ठीक है। तो इतना आपने सपोर्ट किया, साथ किया, उसके लिए दिल से थैंक यू भाई। और आजकल लगातार वीडियो देख रहे हो, बहुत बढ़िया, सब्सक्राइब भी कर रहे हो यार, क्या बात है, थैंक यू। लाइक मारते जाना, थोड़ा सा यूट्यूब पे इंप्रेशन जाएगा, ठीक है, ओके, थैंक यू।